मीता, ये बताइए आप कि चूंकि आप विदेश भ्रमण अभी अभी करके आई हैं, आप ये बताइए कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऐसी क्या बात है जो खींचे चले आते हैं फॉरेनर्स भी इस संगीत को सुनने के लिए? नहीं, अब तो आपको बताऊं, भारत तो सब दूर छाया हुआ है। चाहे आप संगीत की बात करिए, चाहे अब स्पिरिचुअलिटी की बात करिए, चाहे योगा की बात करिए, चाहे इंडियन क्रुसीन की बात करिए, इंडिया सब दूर है। इज़ द बिल्कुल, बेस्ट इस बिल्कुल बिल्कुल इंडिया जी। का भी। अब हम देखते हैं कि पहले जो लोग कह रहे थे कि भारतीय खाना बहुत हॉट होता है, हॉट यानी बहुत स्पाइसी होता है, वही लोग वहाँ पर इतने जो हमारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं उसमें फॉरेनर्स ही मोस्टली होते मतलब हैं। बहुत प्रभावित रहे, और मिनी इंडिया आपने वहाँ देखा है हाँ बिल्कुल, अमेरिका में, मिनी इंडिया तो बिल्कुल। वहाँ के जो प्लेयर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वेस्टर्न स्टाइल से भी आपने एक्सपेरिमेंटेशन की वहाँ नहीं, परफॉर्मेंसेस ये में? खाली मेरा अपने सोलो क्लासिकल परफॉर्मेंस म्यूजिक रही का। आपकी। हाँ मीता, आज राखी का पर्व है, भाई बहन के अटूट बंधन का पर्व है, तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा आप, खुशी का मौका है तो कुछ ऐसा भी हमें सुना दें हमारे दर्शकों को। हाँ जरूर। पंकज, एक प्रदीप में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बंदिश मुझे मालूम है कि आपको बंदिश रात के राग वाली है लग रही है, कि सुबह का प्रोग्राम है, फिर भी गा दीजिए। क्या बहुत बात है सुंदर। मीता, आपने अपने सुरों की खुशबू दूर अमेरिका में तो बिखेरी ही, हमारे स्टूडियो में भी, यहाँ पर बिखेरी। आप हमारी इस बैठक में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार।